राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पलवल स्थित महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई और हवन यज्ञ एवं प्रार्थना सभा आयोजित कर उन्हें याद किया गया। गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट के प्रधान ने बताया कि 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी की प्रथम गिरफ्तारी पलवल रेलवे स्टेशन पर उस समय हुई जब वे रोलेट एक्ट के खिलाफ होने वाले सम्मेलन में जलियांवाला बाग अमृतसर जा रहे थे। अंग्रेजों ने गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए पलवल रेलवे स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और यह गांधी जी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी। उन्होंने कहा कि गांधी जी की स्मृति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी आश्रम की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि गांधी संग्रहालय में गांधी जी की यादों से जुड़े हुए दुर्लभ चित्र लगाए गए हैं जिन्हें पर्यटक देखने के लिए आते हैं। 1919 में जब गांधी जी बॉम्बे से जलियांवाला बाग जा रहे थे तो पलवल रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज सरकार थी, पलवल रेलवे स्टेशन पर उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके वहाँ से उल्टे बॉम्बे भेज दिया। और गांधी जी के विचारों से जो लोग प्रभावित थे उन्होंने एक मीटिंग की और ये विचार बनाया कि यहाँ पर उनकी कोई ना कोई यादगार स्थापित की जाए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गांधी आश्रम ट्रस्ट की नींव अपने करकमलों द्वारा रखी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पलवल से महात्मा गांधी जी की यादें जुड़ी हुई हैं। महात्मा गांधी जी ने लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया था और हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। महात्मा गांधी जो पंचायत भवन है वहाँ भी वो महात्मा गांधी के नाम से प्रशासन ने बनाया था। आज वहाँ भी एक मूर्ति की स्थापना श्री वैश्य अग्रवाल विवाह समिति ने उसकी भी वहाँ एक स्थापना की है जिसका की बहुत बड़ी आदमकद की वो मूर्ति लगी हुई है। गांधी जी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, आज उसी का कारण है कि जो हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर होना।